नजरिया के 9 साल बेमिसाल रहा है प्रधानमंत्री जी का काम। मगर पार्टी के तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस कर सकती है, बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री का दावादार हो। इंडिया के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे देश में उसकी छवि हो और वो सरकार बना सके। कोई भी अगर आगे आएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। अभी जिला मुख्यालय के बड़ी बाजार में हम पहुँचे हैं, जहाँ बनिया जाति के लोगों से हम बात करेंगे। वर्तमान जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर कि इनका क्या भूमिका है। ऐसे तो कहते हैं कि वाणिज्य संस्कृत शब्द से बनिया जाति बना है, लेकिन यह बनिया जाति का वास्तविक शब्द कहा जाता है व्यवसायी या बैस। और ये लोग अपने नियमित काम में के प्रति इतने सद्भाव रूप से लगे रहते हैं कि आर्थिक रूप से यह काफ़ी मजबूत लोग हैं। व्यवसाय पर इनका पूरा नियंत्रण है, भारत हो या नेपाल हो, हर जगह ये विराजमान हैं। और गोपालगंज में इनकी अच्छी खासी संख्या है, जो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो उसमें इनका मत का बहुत महत्व रखता है, चुनाव के निर्णय के दिशा में बढ़ सकता है। इसलिए मैं बड़ी बाज़ार में पहुंचा हूं, बहुत लोग यहां हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जय हिंद प्रसाद मेरा नाम हुआ। एक चीज़ बताइए कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होना है उसमें अभी दो महागठबंधन है, एक NDA महागठबंधन है और एक जो है INDIA इंडिया बना है। इसमें आप अपने नज़रिया से किसको पसंद करते हैं? हम तो NDA को पसंद करते हैं। क्या किस उद्देश्य से? उद्देश्य यही है कि NDA के इकलौता नेता प्रधानमंत्री का नेता भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि देश हित में जो गरीब जो निचले पदान के लोग हैं उनके लिए उनकी सोच है। और सोच ही नहीं है, उन्होंने 9 साल में करके दिखाया है। जैसे मैं आवास योजना देख लीजिए, शौचालय योजना देख लीजिए, उजाला योजना देख लीजिए, आयुष कार्ड देख, ऐसे कई 100 नाम है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के हित में चला रहा है, इसलिए मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ। अच्छा, इनके 9 साल के कार्यों को प्रधानमंत्री का आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? नज़रिया क्या, 9 साल बेमिसाल रहा है प्रधानमंत्री जी का काम। 370 देख लीजिए या 3 तलाक देखिए, ऐसे कितने काम हैं जो कि अनगिनत काम हैं, जो कि हम लोग नाम धरेंगे तो उतना याद हम लोगों को नहीं है। अच्छा, अभी जो INDIA इंडिया गठबंधन बना है उसमें बहुत से नेता हैं, उसमें आपके नज़रिए में कोई चेहरा है जो नेतृत्व उसका कर सकें? ना देखिए, ये तो स्वार्थ का गठबंधन है ना, ये तो स्वार्थ बस गठबंधन हुआ है। ये ऐसा गठबंधन कभी हुआ था? आप देखे होंगे कि लालू जी नीतीश जी को कभी नहीं पटा, आज गठबंधन हो गई है। तो स्वार्थ का गठबंधन है, इसलिए इसमें कोई हमारे प्रधानमंत्री के समकक्ष बैठने वाले मैंने कोई नेता नहीं है जो कि प्रधानमंत्री लायक हो। इनके अलावा और लोग भी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम होगा? शंभुनाथ प्रसाद। अच्छा, आप बताइए NDA या इंडिया किसको पसंद करते हैं? NDA को। किस तरह? प्रधानमंत्री के कार्यों के सराहना की वजह से। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री के कार्य है जो आपको प्रभावित किया है? पूरे देश में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो प्रधानमंत्री के किए हुए कार्यों की किसी ने प्रशंसा नहीं की हो। बाकी दुनिया में कोई ऐसे नेता नहीं है जिनकी पूरे देश में पूरे विश्व में इतनी प्रशंसा होती हो, ऐसा पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। आज सिर्फ इंडियन नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जो पूरे विश्व के क्षितिज पर छाए हुए हैं और इसीलिए इनके पूरे देश और पूरे विदेशों में इनके मान्यता। अच्छा, इंडिया जो महागठबंधन बना है उसमें कौन ऐसे नेता है जो उस महागठबंधन का नेतृत्व कर सके आपके नज़रिए में? देखिए, नेता तो इसमें कोई नहीं है, मगर पार्टी के तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस कर सकती है, बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री का दावादार हो। और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। एक चीज़ बताइए, NDA और इंडिया महागठबंधन में क्या पसंद करते हैं? NDA को।
मैंने आखिर पसंद करने का जी कारण है कि हमारे देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि देश ही नहीं भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर बहुत आगे बढ़े हुए हैं। सब देश इनके पीछे अब जिहजूरी में लगा हुआ है। अभी कल परसों में कनाडा को जो उन्होंने जवाब दिया है वो बहुत ही सराहनीय जवाब है। आज तक भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो कनाडा ऐसे देश को इस तरह का जवाब दे सके। अच्छा, जो इंडिया महागठबंधन बना है उसमें कौन ऐसा चेहरा है जो उसका नेतृत्व? कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र भाई मोदी के पलड़े पे आके बैठ सके। और लोग भी हैं इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति प्रकाश बर्नवाल है। अच्छा, दो महागठबंधन है, एक है एनडीए और एक है इंडिया, इसमें किसको लाइक करते हैं? नहीं, हम लोग तो भाई एनडीए को लाइक करते हैं। क्या माने तर्क आपका? देखिए, कारण एक है कि देखिए एनडीए के पास नेतृत्व करने वाले नेता हैं मोदी जी, इंडिया के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूरे देश में उसकी छवि हो और वो सरकार बना सके। जितनी पार्टियां हैं ये राज्य स्तरीय पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़ करके, और उनकी परिस्थिति यह है कि भाई वो प्रधानमंत्री के लिए उनके पास सीट नहीं आने जा रहा है, और कांग्रेस की परिस्थिति है कि छोटी छोटी पार्टियों को लेकर वो आगे बढ़ रही है और वो पार्टियां चाहती नहीं है कि कांग्रेस सर्वाइव करे। इसलिए इंडिया कहीं से इस चुनाव में नहीं है और 400 से ऊपर सीट बीजेपी को मिलने जा रही है जो हम लोग इस समाज में देख रहे हैं। इनके अलावा और लोग भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंचल कुमार। अच्छा चंचल जी, बताइए एनडीए और इंडिया ये दोनों गठबंधन में आप किस नज़रिए से किसको पसंद कर रहे हैं? एनडीए को पसंद कर रहे हैं, और इंडिया तो किसी लायक नहीं है। इंडिया नाम रख कर ही गलत किया है। जो भारत इंडिया देश को इंडिया रखना ये बहुत बड़ा गलत है। जो भी प्रतिनिधि उसके हैं वो गलत काम किया है, देश को बर्बाद करने के काम किया इंडिया बनाकर। वही इंडिया का अर्थ दूसरा वो लोग अपना दे रहा है जी। तो ये इंडिया नेम से नहीं मतलब है, बस इंडिया वो अपना डाला है जिसका अलग अलग शब्द है, आप जानते हैं? याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो अर्थ डाले हैं वो अर्थ भ्रष्टाचारी, उसके समकक्ष ले लीजिए, वो भ्रष्टाचारियों का एक पार्टी है। अच्छा, उसमें नेतृत्व करने वाला कोई नेता आपके नज़रिए में है? हमको तो नहीं लगता है कि कोई इंडिया में पार्टी में कोई है, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के दलित बस्ती से आते हैं वो अगर आगे बढ़े तब हो सकता है, और नेहरू परिवार के कोई भी खानदान के कोई भी अगर आगे आएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इनके अलावा और लोग भी हैं जानना चाहते हैं। दीपू बताओ, एनडीए या इंडिया? स्वाभाविक रूप से अगर मैंने किसी से भी आप पूछिएगा देश में आम या खास, सभी लोग मैंने आँख में अगर सो के भी उठा होगा तो बोलेगा एनडीए। सबका जिम्मेवारी मत लीजिए, आप आपका क्या पसंद है? एनडीए क्या आपका तर्क है? एनडीए है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो इस देश के आम से लेके खास, मैंने जो समाज का जो वो तबका है जिसके बारे में जो भी सरकारें बनती रही हैं उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान देने का काम किया जो समाज से उपेक्षित था, जो दीनदयाल जी का सपना था अंत्योदय का, अंत्योदय जो समाज के अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति है जिसके पास आज़ादी के 65 सालों के बाद भी विकास नहीं पहुंचा था, पहली बार कोई प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात किया। इस देश के मतलब हमको लग रहा है कि 70 या 75% घरों में शौचालय नहीं था, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने घर घर शौचालय बनाने का काम किया। देश में हमको लग रहा है कि सभी गरीबों के लिए आवास बनाने का काम, और उन्होंने तय भी किया है कि 24 तक या 24 के बाद भी अगर जो आवास बचेंगे, जो गरीब लोग हैं जिनका आवास नहीं है उनका आवास 25 या 26 तक प्रधानमंत्री जी बना कर देंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, गरीबों का जब कोई किसी का मैंने स्वास्थ्य खराब होता था तो घर का अपना गहना या इधर उधर से जो। अच्छा, प्रधानमंत्री के आप 9 साल के अवधि जो कार्यकाल है वो कैसे देखते हैं? ऐतिहासिक है, इसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री बना हो वो काम किया, लेकिन जो काम होना चाहिए था आज़ादी के बाद जो देश में शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, देश में
हमको लग रहा है कि जो इसके पहले छोटा देश पाकिस्तान जिस तरह से हम लोगों को आँख दिखाने का काम करता था, पहली बार ऐसा सक्षम नेतृत्व मिला है कि वो पाकिस्तान क्या चाइना या दुनिया के जो भी देश हैं आज भारत के मैंने पूरा सम्मान दे रहे हैं, पूरे देश में जो भी भारत से बाहर जो भी अप्रवासी लोग हैं वो लोग बताने का काम कर रहे हैं कैसे भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। अच्छा, कैसे भारत के बीजा का जी जो नया INDIA इंडिया महागठबंधन बना है उसमें आपके नज़रिया में कौन है जो उस दल महागठबंधन को नेतृत्व कर सके? हमको लग रहा है कि जिस तरह का मतलब एक नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आने के बाद जो सेटअप उन्होंने दिया है उनके मैंने जैसे आप जो भी हम लोग देखते हैं सुनते हैं कि उनके चार भाई हैं या जो भी भाई हैं जो काम करते थे राजनीति में आने के बाद आज कोई MLA या मंत्री बन रहा है तो उनके घर मैंने आप देखने मैंने को मिल रहा होगा कि गाड़ी आ गया चार तला पाँच तला या पटना दिल्ली मैंने जहाँ जहाँ मतलब सुनने में आता है कि दिल्ली आवास बन गया लखनऊ आवास बन गया लेकिन नेतृत्व करने वाले का नाम वही बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो सेटअप दिया है कि राजनीति में आने के बाद सेवा का जो भावना मतलब सेवा भाव से जो आकर उन्होंने जो एक थी माइलस्टोन मैंने देने का काम किया कि राजनीति में आकर देश समाज का सेवा करना है इस भावना मैंने ये जो भावना है नरेंद्र मोदी के अंदर उस भावना का हमको नहीं लग रहा है कि INDIA गठबंधन में कोई उस मैंने लेवल का कोई नेता है कि जो पहले इसके लिए राष्ट्र प्रथम हो उन लोगों के लिए परिवार प्रथम है भ्रष्टाचार प्रथम है। इसके अलावा और लोग हैं, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम सुरेश प्रसाद हुआ। अच्छा, NDA या इंडिया किसको पसंद करते हैं? पसंद तो हम लोग NDA को ही करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का जो अभी कार्य है उसमें क्या आपको ऐसा काम है जो आप प्रभावित किया? प्रभावित देखिए ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं सबको लेकर चलते हैं, सभी वर्ग को लेकर चलते हैं, किसी खास वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। और उससे भी बढ़िया काम करते हैं कि उद्देश्य हित में काम करते हैं, किसी पर्सनल किसी के लिए काम नहीं करते हैं। नहीं तो इसके पहले प्रधानमंत्री इतना लोग हुआ देश हित के लिए काम नहीं किया क्या? नहीं किया, लेकिन ये जो किए जिसे देश हित के लिए वाले 370 धारा हटवाए, 3 तलाक हटवाए, हमारे सबसे बढ़िया काम किए हमारे जो राम मंदिर जो है ये हमारा बन रहा है, बनारस में हमारा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन गया है, ये जो काम है ये जो हिंदू का पहचान है चाहे हिंदुस्तान का पहचान है इस पर वो काम किए। अच्छा, जो नया गठबंधन महागठबंधन बना है INDIA उसमें बहुत से नेता हैं, उसमें आपके नज़रिया में कौन है जो उस महागठबंधन का नेतृत्व कर सके? सर ये तो देखा जाए कि सब कोई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो सकता है, जो इतने दल को लेकर जो चले और 5 साल सरकार चलाए तो इसमें इस तरह का कोई नहीं है कि 5 साल सरकार चलाए। इन लोगों के पास तो अभी ये नहीं है कि हमारा सब मिलाकर प्रधानमंत्री कौन होगा जीतने के बाद। आपके नज़रिया में कौन नेता है वो? नहीं, ये इस तरह का कोई है नहीं कि जो लेकर चल जाए, इस तरह का कोई नहीं है। अभी आगामी लोकसभा चुनाव होना है उसमें 2 महागठबंधन है NDA और INDIA। जी, उसमें आप किसको पसंद करते हैं? जाहिर सी बात है कि NDA को ही कोई भी लाइक कर रहा है। लाइक करने का ये मतलब है कि NDA का जो कार्यकाल है चाहे जो भी कार्य हो रहा है, जैसे कि कोविड जब आया कोविड के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया दी या फिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दिया वैक्सीनेशन दिया उस कारण काफ़ी लोगों का जान बचा और उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया कि जिन देशों के पास वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जो गरीब देश थे जो वैक्सीनेशन सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते थे उन लोगों को भी उन्होंने वैक्सीनेशन दिया, तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप ये 9-9.5 साल की अवधि को आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा। मैं क्या देश के बहुत सारी जनता जो है बहुत अच्छी तरह देख रही है, कर रही है कि वो क्या कर रहे हैं। परिवारवाद को उन्होंने ख़त्म किया, बहुत सारा कार्य किया, इस कारण भी लोग नरेंद्र मोदी जी को ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन जो बना है जी INDIA जी, उसमें कौन से ऐसे नेता हैं जो उस महागठबंधन को नेतृत्व दे सकें? देखिए, ऐसे नेता तो मेरी समझ में कोई नहीं है, थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज निकाल कर देखा जाएगा 5-10% तो नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं
जो कि थोड़ा बहुत उनको लाइक किया जा सकता है, बाकी ऐसे कोई भी नेता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश बर्नवाल नाम है। अच्छा राजेश जी, बताइए एनडीए या इंडिया महागठबंधन किसको क्यों पसंद करते हैं? मैं तो एनडीए को पसंद करता हूं, और एनडीए जो है देश हित में तो काम करते हैं, देश की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई, देश की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई ये चीज़ों को भी जिन्होंने स्थापित किया, वैसे में हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी चीज़ों से लेकर जो भारत की ख्याति थी वो दुनिया में स्थापित करने का उन्होंने काम किया है, और आगे भी भारत को ले जाने के लिए वो सतत जो है प्रयासरत हैं। अच्छा, जो इंडिया महागठबंधन बना है उसमें कौन ऐसे नेता हैं जो आपके नज़रिया में उसका नेतृत्व कर सके? देखिए, अब बार बार जो है इंडिया गठबंधन में नेता की बात कर रहे हैं, तो हम बिहार की धरती से आते हैं और उसमें देश भर के जो गठबंधन बना है, देश भर के जो इसमें नेता हैं, उसमें अगर तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो उसमें भी जो एक नाम अगर देश के लिए अगर सोचा जा सकता है और किसी को नाम ले सकते हैं तो हमारे बिहार की धरती से ही, इस पवित्र माटी से ही एक नाम है जो अपने वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनका नाम ही सबसे सर्वोपरि अगर उस गठबंधन में देखा जाए तो, बाकी कोई नाम मेरे ध्यान में नहीं है, और जितने भी नाम हैं सब विवादित है, भ्रष्टाचार से लिप्त है और देश के लिए घातक ऐसे लोग हैं जो गठबंधन किए हुए हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश से आप लोग व्यवसायी हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। देखिए, वर्तमान समय में अब देश की जनता या बिहार के लोग टैक्स ज़्यादा है कम है इसके लिए अब चिंता छोड़ दिया है। अब इसको सिर्फ देख रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था हो गया, तीसरी चौथी में प्रवेश करने के लिए हैं, तो टैक्स है तो क्या हुआ? हम तो देश के लिए जीते, हम लोग व्यवसायी हैं, हम लोग हमेशा पैसा देने का और देश को चलाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मेहनत किया है, तो टैक्स अब विषय नहीं रह गया है और इसलिए सारे व्यवसायी खुश हैं। और जो भी टैक्स जो तय करता है केंद्र, उसको हम लोग खूबी अच्छा से उसका जो इनके अलावा। और क्या नाम हुआ आपका? ललन प्रसाद। अच्छा ललन जी, आप बताइए एनडीए या इंडिया गठबंधन किसको पसंद करते हैं? एनडीए को। क्या तर्क है आपका? तर्क क्या है, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 9 साल 9.5 साल में जो काम किए हैं आज, तो मतलब कि इतने थी भारत को विश्व गुरु बनाने के ओर ले जा रहे हैं। विश्व गुरु बनने से क्या भारत की आर्थिक स्थिति एकदम सुधरेगी? क्यों नहीं सुधरेगी बताइए आप हमको। अच्छा बताइए, काम जो भी हुआ है, एक मिनट, जो भी काम हुआ है ना, जो भी काम किए हैं, आयुष्मान हो गया, घर घर शौचालय हो गया, 3 तलाक हो गया, 370 हो गया, जितना भी ये 370 और 3 तलाक जितना ये थी मुद्दा था, कोई हाथ लगाने का सोच सकता था? उसका मादा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही था और उन्होंने कर दिया और सबका भला हुआ इससे। अच्छा, ये नहीं कि एक एथी का भला हुआ और उसका एक चीज़ बताइए, जो जी इंडिया महागठबंधन बना है जी, उसमें कौन से ऐसे नेता है जो उसका नेतृत्व कर सकते हैं आपके? देख, मेरे नज़र में तो है उससे ये सारे अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी जो नेता है ना, बस वही हैं इस लोग। ये लोग किसी तरह इनको हटाना चाहते हैं और अपना ऐसी करना चाहते हैं, मगर उसमें कोई ऐसा नेता नहीं है जो ले के चल जाए सब। इस बड़ी बाजार में जितने भी व्यवसायी लोग हैं, उन लोगों के अधिक लोगों का एक ही पसंद है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी एनडीए गठबंधन को ही लाइक कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं INDIA इंडिया महागठबंधन की, उसमें कुछ लोगों का मत जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के दिशा में गया है, अन्यथा इंडिया महागठबंधन में कोई भी ऐसा नेता का नाम ये लोगों ने नहीं रखा है और न इनकी निगाहों में वो परिलक्षित हो पाया है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेतृत्व करने के लिए टिक पाएगा। सुनील तिवारी, बिहार तक।
गोपालगंज।